नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये हमने फ़्लिपकार्ट से मोबाइल मंगाया है, चलिए तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रियलमी नर्जो 20 है, तो चलिए इसको खोलते हैं। पहले देख लीजिए इसकी सील, हमेशा फ़्लिपकार्ट से लीजिएगा तो इसकी सील वगैरह देख लीजिएगा। खुल जा भाई, ये बड़ा टाइम ले रहा है। अबे खुल जा, तो थोड़ा टाइट है डिब्बा। ये इसका, इसमें बिल निकला है, ये बिल है इसका। इसको साइड में रखते हैं, अब इसको इसमें से निकालते हैं बॉक्स को। तो ये है रियलमी नर्जो 20 का बॉक्स, वही पीले कलर का। चलो अब बारी है बॉक्स को खोलने की। लेमिनेशन है इस पर, इसको काट देते हैं यहाँ से। हालिका का गैस रख दीजिए। अभी भी नहीं निकल रहा है, लगता है कुछ बाकी रह गया अभी और काटना। अरे सील को तो हमने काटा ही नहीं है इसकी को, चलिए इसको काटते रहें। ये देखिए इसको, ये खुल गया है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, इसमें है ये सिम इजेक्टर दिया हुआ है इसका, इसमें और कुछ बुक्स हैं जो पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं इनको। यहाँ पर ये देखिए स्मार्टफोन है, ये एक पैक में आया है, तो इसको अलग रखते हैं हम पहले। तो ये इसका डाटा केबल, और ये है इसका 18 वॉट का चार्जर, बहुत अच्छा, वजन भी काफ़ी है इसमें। चलिए इनको वापस रख देते हैं। अब आते हैं हमारे स्मार्टफोन पर। तो ये पैक आया है, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें कवर ही नहीं दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसको ही काम चलाते हैं। तो इसको निकाल दें, इसको करते हैं हम बूट। पीछे से इसका लुक भी शानदार है। तो बूट करते हैं इसको, ये बूट हो चुका है। चलिए हम इसको करते हैं आगे, दिखाते हैं आपके लिए इसके फीचर्स के बारे में। तो इसका टच और स्क्रीन बिल्कुल ही ठीक वर्क कर रहा है। अब इसमें देते जाते हैं हम अबाउट फ़ोन पर, ताकि हम आपको बता सकें इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर अबाउट फ़ोन पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है। एंड्रॉयड 10, V1.0 और 4 GB ऑक्टा कोर इसमें प्रोसेसर है, और इसमें 49 GB यानी 49 GB इसमें अभी भी अवेलेबल है, खाली है, बाकी का ये भरा हुआ है। चलिए तो यहाँ से चलते हैं वापस, और अब हम देखते हैं इसमें कुछ खास दिया हुआ। तो इसमें ऐप क्लोनर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये अच्छी बात है, ऐप क्लोनर से आप दो ऐप एक साथ चला सकते हैं। और इसमें डिजिटल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ताकि आप इसमें देख सकते हैं कि आपने कितना फ़ोन को चलाया है। यहाँ पर हमने 26 मिनट इसको चला लिया है, और 9 बार इसमें अनलॉक किया है, 54 बार इसमें नोटिफिकेशन आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इससे आप देख सकते हैं कि कैसे आपका फ़ोन के कितनी बार चला हुआ है। तो आप इसमें लॉक भी, इसमें फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और सब कुछ दिया हुआ है, वो भी फास्ट। तो अब चलते हैं हम ऊपर से, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फीचर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स कम हैं, तो उनको आप एडिट करके यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके आप नीचे से जो कुछ आपको चाहिए, आप यहाँ पर डाटा और टॉर्च लाइट वगैरह यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है,
चलिए यहाँ से भी चलते हैं वापस। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो यहाँ पर अब मैं इसके कैमरा को ओपन करता हूँ, तो इसका ये कैमरा क्लिक करते हैं एक फ़ोटो इससे। तो ये फ़ोटो हमने क्लिक किया और इसका 48 MP से भी इसको एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। जूम करके देख लेते हैं, फिर भी ठीक कैमरा है इसका। ज़्यादा बेटर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ठीक कैमरा है। और ये इसका पीछे से लुक बहुत ही शानदार है। ये इससे कैप्चर किए हुए कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो आप बताना कैसे लगे वीडियो, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ़ोटोज़ के बारे में बताना इसका कैमरा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।